ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है, जहां बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक के साथ इस वक्त अनुराग ठाकुर की बैठक चल रही है। अनुराग ठाकुर ने आपको बता दें ट्विटर पर बातचीत का न्योता भेजा था और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब साक्षी मलिक उनके घर पहुंची थी। अनुराग ठाकुर के यहाँ बातचीत इस वक्त चल भी रही है। पहलवानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए पहल की गई थी और इसी के मद्देनजर इस वक्त ये बैठक चल रही है। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ये बैठक, जिसमें बजरंग पुनिया भी पहुंच गए हैं, साक्षी मलिक भी पहुंच गई हैं और अनुराग ठाकुर के आवास की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इस वक्त ये बैठक चल रही है। कोशिश यही है कि ये आंदोलन खत्म हो जाए। ट्विटर के जरिए अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को न्योता दिया था ताकि वो आए और बातचीत के जरिए इस पूरे मुद्दे को सुलझाया जा सके। बता दें आपको, बातचीत के लिए पहलवानों ने तीन शर्तें भी रखी हैं और वो तीन शर्तें क्या हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। पहली शर्त ये कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा दूसरी शर्त ये कि देश में कुश्ती के खेल की सफाई हो। तीसरी शर्त ये कि WFI का चुनाव साफ सुथरे तरीके से हो। तो ये तीन बड़ी शर्तें सूत्रों के मुताबिक पहलवानों ने रखी है, तभी बातचीत सही ढंग से हो पाएगी। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। तो बता दें आपको, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस बीच बैठक की ये तस्वीरें, जिस वक्त बैठक के लिए पहुंच रहे थे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, वो तस्वीरें आप देख रहे हो। अनुराग ठाकुर के घर पर इस वक्त की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इस वक्त बैठक चल रही है और इस बैठक पे क्या कुछ होगा ये समझने की कोशिश हम भी करेंगे। लेकिन देखिए, सरकार का न्योता, सरकार पहलवानों से बातचीत की कोशिश कर रही है और पहलवान इस पर क्या कह रहे हैं ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बार फिर पहलवानों को आमंत्रित किया है। पहलवानों का जवाब ऐसा नहीं होगा कि सरकार की किसी भी बात को हम मान ले, ये भी यहाँ पर कहा गया है। सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। तो पहलवानों ने जवाब दिया है, धरना समाप्त कर ले, बैठक के लिए अभी वक्त तय नहीं। तो बता दें कुल मिलाकर ये बैठक इस वक्त चल रही है और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं, आनंद प्रकाश पांडे और साथ ही साथ जीत भाटी। एक एक कर पहले दोनों का रुख करेंगे। जीत, पहले ये बताइए इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया इस वक्त अनुराग ठाकुर के आवास पर मौजूद है और बैठक जारी। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए एक बैठक जो है खेल मंत्री की आज चल रही है, जहां पर बजरंग पुनिया और साक्षी पहुंचे हुए हैं। उस बैठक में क्या कुछ चल रहा है उसकी बातें बैठक के बाद निकल के आएंगे। लेकिन एक बैठक और चल रही है जो कि फोगाट बहनों के गांव में चल रही है। आपको तस्वीरें दिखाता हूं, यहां पर जो है बिलाली गांव पड़ता चरखी दागदरी का, यहां पर बैठक चल रही है। साफ तौर पर यहां पर अल्टीमेटम भी दिया गया है और कहा गया खिलाड़ियों की बातों को नहीं माना तो गंभीर प्रमाण भुगतने होंगे, ये महावीर फोगाट का कहना है TV9 वार्ता से बात करते हुए। तो यहां पर अभी विचार विमर्श चल रहा है, इनकी भी नजर जो है उसी बैठक पर है कि वहां पर क्या निकल के आता है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है तो खाप पंचायत यहां पर कड़े फैसले लेगी, ये साफ तौर पर कहा गया है। और ये उनका गांव है फोगाट बहनों का, सामने आप देख पाएंगे तो महावीर फोगाट जो के पिता हैं, वो भी थे। तक लगातार नजर बनाए रखे इस बैठक पर भी। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त अनुराग ठाकुर के घर पर चल रही है, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने खिलाड़ियों को, पहलवानों को न्योता दिया था और इस वक्त वो तस्वीरें भी हम TV9 के दर्शकों को दिखा रहे हैं जब दोनों ही पहलवान पहुंचे थे घर पर। और इस वक्त बैठक चूंकि चल रही है, आनंद प्रकाश पांडे आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे इस वक्त वहां क्या चल रहा है। देखिए, खेल मंत्री की तरफ से पहलवानों को सिर्फ ट्विटर पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी बातचीत के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिसके बाद खिलाड़ी यहां पहुंचे। और आपको बता दें कि 10:30 बजे से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, लेकिन अनुराग ठाकुर कैबिनेट की बैठक में नहीं गए, वो घर पर यहाँ पर पहलवानों का इंतजार कर रहे। तो आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया जब अनुराग ठाकुर की साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ बैठक चल रही है। और खास बात यह कि इस बैठक में कुछ कोचेज भी मौजूद है, ये वो कोच हैं जो खिलाड़ी रहे हैं और सीनियर हैं साक्षी मलिक के और बजरंग पुनिया के, यानी कि वरिष्ठों को बिठा के ये कोशिश हो रही है कि इस मामले को सुलझाया जाए। लगभग 8 से 10 लोग इस बैठक में अभी मौजूद है। सरकार की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस आंदोलन को खत्म किया जाए। और जहां तक पहलवानों की मांग है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी हो, तो ऐसे में सरकार का कहना है कि जल्द ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चूंकि मामला सब जुडिस है, यानी कोर्ट के सामने है, तो कोर्ट खुद उस चार्जशीट का संज्ञान लेगी। तो ऐसे में एक तरफ से अदालती कार्रवाई, पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी और दूसरी तरफ सरकार कोशिश कर रही है कि पहलवान जो है कोर्ट की बात मानकर और पुलिस का जो की चार्जशीट है उसके आधार पर अपना जो धरना है उसको खत्म कर लो, इस मामले को सुलझाया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 10 दिन बाद उनको विदेश दौरे पर जाना, अमेरिका के दौरे पर जाना, और ऐसे में सरकार चाहती है कि उस दौरे के पहले ये आंदोलन पूरी तरह खत्म हो जाए।